नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपके लिए मैं हमेशा एक सेट लेकर के आता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वीवो का हेडफोन लेकर के आया हूँ अनलॉकिंग के लिए। वो है Z1 Pro, जो कि आप देख सकते हैं ये वीवो का Z1 Pro है, जो कि यहाँ पे इसमें अनलॉक लगा हुआ है। आपको सारी चीज़ें हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये Z1 का है Z1, और ये इसमें लॉक लगा हुआ है जो कि लेटेस्ट हैंडफोन है। इसकी कैसे अनलॉकिंग करते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अनलॉक लगा है कि नहीं लगा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें अनलॉक लगा हुआ है, तो इसे हम खोल के देखते हैं एक बार। तो ये पैटर्न है, लॉक्ड फोन है, तो इसकी अनलॉकिंग करेंगे फ्रेंड्स, जो कि लेटेस्ट हैंडफोन है। और इसकी मैं बता दूं आपको, इसको बैक पैनल आपको खोलना होगा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बैक पैनल खोला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इसकी टेस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आपको टेस्ट पॉइंट करना है जिसमें आइडियल पोर्ट बनाया गया, इसलिए मैंने इसको खोला हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं एक पिक के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे इसके आइडियल पोर्ट बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आइडियल पोर्ट पर काम करेगा, क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, लास्ट तक देखें कि इसकी हम कैसे इसकी अनलॉकिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे जो फ़ोन था Z1 Pro, इसे हम MRT से ट्राई करते हैं, MRT से ट्राई करेंगे फिर मेरकल से जिससे होगा, इसलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ आपको, आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो। तो हम MRT खोलेंगे फ्रेंड्स, MRT खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं MRT है। उसके लिए हमारा नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो हमारा नेट कनेक्ट है फ्रेंड्स, और हम MRT को ओपन कर रहे हैं, MRT को ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ आपको हमेशा डिवाइस मैनेजर को भी ओपन करके रखना है, जिससे कि ये पता चलते रहे फ्रेंड्स कि क्या हमारा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, MRT डोंगल नॉट कनेक्टेड। मैं एक बार फिर से MRT डोंगल को ट्राई कर लगाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने MRT डोंगल ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीवो सेलेक्टेड है तो वीवो में आपके जाना है। आपको यहाँ पे मॉडल, क्योंकि इसका मॉडल तो मिलेगा नहीं आपको फ्रेंड्स, तो मैं आपको पहले बता दूँ, तो इसमें जो आपको मॉडल लेना है, इसमें लेना है आपको X5। आपको हम दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मॉडल Z5X करके इसका मॉडल होगा, ये Z5 आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको फ़ोन को यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट अनलॉक, तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना होता है। अब इसको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अब आपको इसको एडियल मोड पे कनेक्ट करने के लिए वो जो टेस्ट पॉइंट हमने शुरू में आपको दिखाए हुए हैं, या फिर टेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं आपको टेस्ट पॉइंट दिखा दूंगा। टेस्ट पॉइंट अभी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन में यहाँ पे टेस्ट पॉइंट आपको शो हो रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं इसीलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर और खासकर हमारे स्टूडेंटों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम इसे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि तब से डिवाइस मैनेजर पोर्ट बनाते हैं फ्रेंड, इसका सबसे पहले प्रोसीजर पोर्ट बनाने का है। तो पोर्ट बनाने के लिए आपको वही एडियल को टेस्ट पॉइंट पे टेस्ट करना है, जैसा कि हमने कर दिया। तो साइड में देख सकते हैं ड्राइवर हमारा पोर्ट बना लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ ले लिया है, वीवो X5X ले लिया है हमने, उसके बाद फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट बटन पे सिलेक्ट कर देंगे, अब वो अपना डाउनलोड बूट सेलेक्ट कर रहा है, सक्सेस हो गया, फ़ोन कनेक्टेड हो गया है, स्विच मोबाइल रिकवरी फ़ोन, और UFS चीफ लगी इसमें, फ्लैश टाइप UFS, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, फैक्ट्री रिसेट, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं आपके लिए हर एक अनलॉकिंग के लिए वीडियो आपके लेकर के आता हूँ। तो गाइज, आप लोग सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपका जितना हमें सपोर्ट मिला हुआ फ्रेंड, उससे हम कई ज़्यादा आपको भी सपोर्ट देने वाले हैं। तो फ़ोन हमारा रिबूट हो गया है, अब वो रिबूट हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन रिबूट हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट बटन हाइड हो चुका है, अब हमारा फ़ोन रिबूट होगा। तो जैसा कि हमारा फ़ोन रिबूट भी हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे डाटा केबल पे लगाऊंगा और यहाँ पे स्टॉप करूँगा, और आपको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फ़ोन रिबूट हो चुका है। हमने यहाँ पे जो आपको शुरू में दिखाया था, लास्ट में भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे जो दो टेस्ट पॉइंट है उसको टेस्ट करना है, कवर रहता है तो उस कवर को हटा करके ज़्यादा आराम से उसको हटना है। तो देखिए हमारा बूट हो रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे हमने खोला तो यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें रिसेट फ़ोन कर देना है जैसे ही आपने खोला, क्योंकि हमारा फ़ोन फॉर्मेट वहाँ पे इजीली तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट डन हुआ है, अब ये बूट कर रहा है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं डलता है कि आप हार्ड रिसेट कर रहे हैं तो आपके फ़ोन अनलॉक हो रहा है, मैं ये नहीं कहता, होते भी होंगे बट हमारे पास तो नहीं होते हैं, कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया है कि हार्ड रिसेट से भी फ़ोन अनलॉक होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़ें करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये देख सकते हैं आपको एक मिनट में इसमें UFS चिप लगी हुई है, UFS MMC है इसमें,
सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हमेशा MRT सभी डोंगल्स को आपको ट्राई करना होता है, तब जाके आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये आपको एडिट टेस्ट पॉइंट्स करना होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा रिसेट हो रहा है, सारा चीज़ फॉर्मेट फ़ोन हमारा हो रहा है। अब ये फ्रेंड FRP पे चला जाएगा, मैं हर बार बात बात यही कहता हूँ कि फ़ोन FRP पे चला जाएगा। तो FRP के लिए हमारा वीडियो बना हुआ है आई बटन पे, या लास्ट स्क्रीन में हमारे FRP का वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड। तो आप वहाँ पे जाइए और FRP का वन क्लिक में, वन एक मिनट के अंदर आप उसकी FRP हटाइए, तो आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने वाली है। ये वही फ़ोन है जो कि हमने आपको दिखाया था, जो कि करेंट का लेटेस्ट Z1 Pro फ़ोन है। तो ये हमारा रिसेट हो चुका है, अब ये फर्स्ट बूट करेगा। तो ये वीडियो मैं कहीं भी स्किप नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड। तो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। अभी थोड़ा सा बूट करेगा तो इसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी तरीके से हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी से अब आगे बढ़ाएंगे और हम आपको लास्ट तक वीडियो को दिखाते हैं, यहाँ पे आपको लास्ट तक वीडियो को दिखाते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो हमें इसे अपने लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स FRP पे था, हमने इसी के FRP बाईपास कर दी है। अब जैसे मैं इसको यूज़ नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको यूज़ नाउ पे किया, इसकी मैंने FRP बाईपास की है। तो FRP बाईपास देखने के लिए फ्रेंड्स आपको आई बटन में जाना है या फिर हमारे लास्ट स्क्रीन पे जाना है, तो आपको FRP बाईपास की वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको बहुत ईजिली तरीके से बाईपास कर सकते हैं। तो ये आपका Z1 फ़ोन था जो कि लेटेस्ट हैंड फोन है फ्रेंड्स। इसकी FRP या पैटर्न जो भी था हमने इसकी चुटकी में रिमूव कर दी। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।